हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। आज की वीडियो में जो है हम थोड़ा सा अरेबिक टाइप वाली साइड पर नहीं जाकर जो है थोड़ा सा मेकअप करने की ट्राई करेंगे। आई एम नॉट परफेक्ट बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग, अभी भी मैं साथ साथ सीख भी रही हूँ और साथ साथ जो है वीडियोज़ मेरा शौक है इसलिए मैं बनाती हूँ। सो प्लीज़ डोंट जज मी। और कुछ सीखने के लिए मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो ज़्यादा बातें नहीं करते, अब जो है हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है आप लोगों को अगर डार्क सर्कल्स हैं तो आप लोगों ने कंसील कर लेना, मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से जो है मैंने जो हेयर ड्रैग जो है वो फाउंडेशन अप्लाई करके उसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लिया, उसके बाद जो है वो लूज़ पाउडर लगा लेंगे। अच्छा, मैंने ना एक न्यू चीज़ जो है वो नोटिस किया है अपने लिए, तो क्योंकि जब मैं मेकअप करती हूँ साथ साथ आप लोग वीडियो देखिएगा, साथ साथ मेरी बात सुन लीजिएगा। टिप है ये कि ना जब मैं फाउंडेशन अप्लाई कर लेती थी ना, उसके बाद जब मैं आँख खोलती थी ना तो वहाँ से जो है ना मेरी लाइन्स पड़ जाती थी। तो अब जो है ना मैं फाउंडेशन के साथ जो है ना लूज़ पाउडर को भी तैयार करके रखती हूँ और फिर जो है ना बंद आँखों पर ही जो है ना पहले मैं जब फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ आईज बंद ही होती हैं, तो मैं लूज़ पाउडर भी साथ ही अप्लाई करके फिर जो है तकरीबन एक दो सेकंड के बाद जो है ना आईज ओपन करती हूँ। अगर आप लोगों की भी आईज़ मेरी तरह की आईज़ हैं कि देखने दो दो लाइंस का आपको ना वो फील हो रहा होगा, लोगों की एक होती है क्रीज लाइन, मेरी मुझे लगता है दो तीन मतलब जो है ना वो लाइंस आती हैं आँख पे। तो इस वजह से जो है ना मैंने ये टिप जो है ना वो की है स्टार्ट, तो इस वजह से है जो अब कम आती हैं। तो यहाँ पे कि मैं क्या किया जी, मैंने जो है ना जैसे हम लोग विंग आईलाइनर लगाते हैं वैसे ही जो है ना थोड़ा सा विंग बाहर निकाल के अपने क्रीज लाइन से थोड़ा सा ऊपर जो है वो लाइनर अप्लाई करके उसको जो है अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। और टिप नंबर टू, यहाँ पर आपने कोई भी आईलाइनर इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप लोगों ने जो है जेल आईलाइनर ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, पिंक कलर का कोई भी, पिंक फैमिली में से कोई भी पिंक कलर लेके आपने उसी ब्लैक के ऊपर अप्लाई करके फ्लफी ब्रश से जो है उसको अच्छे से जो है ब्लेंड कर देना, ब्लैक के साथ अच्छे से वो ब्लेंड हो जाए। एक और बात, यहाँ पे जो है ना मतलब मैं कोई भी वीडियो जो है वो प्लान नहीं करती और ना मैं किसी से पूछती हूँ कि कैसे करना है, जो भी मैं करती हूँ बाय माय ऑन करती हूँ, मैं खुद करती हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा ही मेहनत करनी पड़ती है, मेरा कुछ ना कुछ जो है ना ख़राब ज़रूर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने कॉपर कलर का शिमर शेड ले लिया है, आपने चंकी वाला जो चंकी चंकी होते हैं ना जिनके ग्लिटर नीचे गिरा होता है, आपने वो वाला कॉपर शेड नहीं लेना, आपने इस तरह का कॉपर शेड लेना है कि वो बस शाइन करे और ज़्यादा जो है वो चंकी चंकी ना हो, ठीक हो गया। बाकी जो जितनी भी आपकी आँख बचेगी उस पर आपने जो है ये अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज़ को जो है वो फिल कर रही हूँ, ब्राउन और ब्लैक का जो है ना मैं मिक्स करके जो है वो कर लेती हूँ और अपनी आई शेडो पैलेट में से ही कर लेती हूँ, मेरे पास कोई जो है आई पेंसिल नहीं है, आईब्रोज पेंसिल। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है जी, जिस तरह हम आईलाइनर लगाते हैं आईलाइनर जीरो साइज़ का ना आप लोग ब्रश ले लें, इससे जो है आईलाइनर भी बहुत अच्छा लगता है और आईलैशेस भी। आईलैशेस कैसे अच्छी लगती हैं कि आप लोगों ने जो है ना जैसे हम लोग आईलाइनर लगाते हैं वैसे ही जो है ना आईलाइनर अप्लाई कर देना, उसके ऊपर जो है अपनी आईलैशेस रख देनी है और ये आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अब अगर आप लोगों ने आईलाइनर लगाना हो तो इसके ऊपर आप आईलाइनर लगाने तो ये छुप भी जाती है और सब कुछ जो है वो बहुत नीटनेस से होता है। उसके बाद जो है हमने ब्रो बोन जो है वो कॉपर से फैमिली में से हमने लिया है और वो जो है अप्लाई कर दिया। उसके बाद जो है ना यहाँ पर जो है मैं टेप उतार दी थी, उसके बाद मैंने हाँ जी उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ना मेरा ये मस्कारा लग गया था, इसके बाद ही मैंने जो है ना इस आँख का मेकअप छोड़ा था कि मैं दूसरी आँख का कर लेती हूँ, पहले इतनी देर और वीडियो शूट कर लेती हूँ, बाद में जो है ना आँख के जो नीचे है वो हम बाद में इकट्ठे ही कर लेंगे। और यहाँ पे मेरे इस लेंस ने इतना तंग किया, एक दफ़ा मेरी आँख के ऊपर चला गया, फिर मैंने आँख बंद करके उसको मल मल के जो है ना नीचे किया थोड़ा सा, उसके बाद एक दफ़ा आँख के नीचे वाली साइड पर चला गया, फिर मैंने सेम प्रोसेस किया और फिर उसके बाद जो है ना ये आँख से बाहर ही गिर गया था, मैंने आँख बंद की और ये जनाब बाहर आँख के। तो जी यहाँ पे देखें पानी कितना निकल रहा है। और आज जो है ना मेरी वाइट आई पेंसिल जो थी ना वो बहुत अच्छी लग गई थी, मतलब आज जो है ना पानी आ जाता है। लेंस ने मेरे इतना तंग किया, इतना तंग किया, जब मैंने मस्कारा लगा लिया ना नीचे वाली आई लैशेज पे, उसके बाद भी मेरी आँख से पानी और सारा मस्कारा मेरा नीचे बह गया। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैं जो ऊपर पिंक शेड लगाया था वही जो है पिंक शेड जो है आँख के नीचे लगा रही, ज़्यादा नहीं लगाना कि वो आपका पिंक टोन में चला जाए अंडर आई, और ना ही हमने इतना कम लगाना है कि आपकी आँख जो है वो वाइट वाइट लगे। सो जी यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा मैंने आईलाइनर लगा ली है, तो जी यहाँ पे जो है ना मेरी एक आईलैश जो है ना वो उतर गई है, तो मैंने कहा चलो छोड़ें जी, थोड़ा सा एडजस्ट तो कर लीजिएगा आप लोग। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये मेरी पप्पो है, ये मुझे तंग करने आई है, जानबूझ के है ना, जानबूझ के तंग करने आई है ना। अच्छा जी चलें जी, वीडियो अच्छी लगी तो अगेन वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।